तो अगर लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.6 मीटर है, फिर अगर चौड़ाई 4 डेसीमीटर बढ़ गई तो हौज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो अगर चौड़ाई 4 डेसीमीटर बढ़ती है, 4 डेसीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 4 डेसीमीटर बराबर 4/10 मीटर यानी 0.4 मीटर। तो ये हो गया क्या, बढ़ी हुई चौड़ाई। अब चौड़ाई बढ़ाने के बाद कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई में अगर वृद्धि होती है, तो चौड़ाई अगर बढ़ती है तो नई चौड़ाई का माप वो जो होगा होगा 1.6 + 0.4, पहले की चौड़ाई और अभी की वृद्धि की हुई चौड़ाई यानी 2 मीटर। ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई। अच्छा, इसका आयतन दिया हुआ था। अब आयतन दिया हुआ था जितना पानी उसमें रखा जाता, तो आयतन कितना दिया हुआ था, तो यहाँ लिख देते हैं, आयतन था 4 मीटर क्यूब यानी 4 घन मीटर। आयतन 4 घन मीटर था, क्योंकि इतना ही पानी उनको ज़रूरत थी। अगर अब सेम ऊंचाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई मान लेते हैं, माना ऊंचाई जो है वो x मीटर है। अब प्रश्नानुसार ये आयतन बराबर ये आयतन, यानी आयतन अब निकाल लेते हैं, आयतन हौज का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये कितना हो गया, तो 2.452 और एक्स घन मीटर या मीटर क्यूब। अब ये आयतन और पानी का कुल आयतन दोनों बराबर कर देंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो ये हो गया 2.5 × 2 × x = 4। तो यहाँ से x का मान 4/2.5 × 2, ये तो हो गया इधर 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25 यानी 4/5 मीटर। तो ये हो गई मीटर में ऊंचाई। अगर हम इसे डेसीमीटर में बदलना चाहें तो इसको करेंगे 10 से गुना, ठीक है, तो ऊंचाई बराबर 4/5 मीटर यानी 4/5 × 10 डेसीमीटर। अब ये काट देते हैं, तो ये हो गया क्या, 8 डेसीमीटर। अगर चौड़ाई को 0.4 मीटर से बढ़ा दिया जाए या 4 डेसीमीटर से बढ़ा दिया जाए, तो ऊंचाई 8 डेसीमीटर रखनी पड़ेगी। ये हो गया आंसर।